Hey everyone, I am Priyanka and welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So guys, आज मैं explore करने वाली हूँ मुंबई का famous दादा स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट. तो चलो जानते हैं कि इस मार्केट में रीच कैसे होना है. आप लोकल ट्रेन पकड़ कर दादा स्टेशन आ जाओ एंड वहाँ से आप ईस्ट के साइड एग्जिट लोगे ना तो आपको ये मार्केट दिख जाएगा. कैलाश वड़ा पाव है ना, वहाँ से ये पूरा मार्केट स्टार्ट होता है. आप चाहो तो वहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ये दादा साहेब फाल्के रोड है ना, वहाँ से ये मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ जो परेल में पड़ता है. सो गाइज, इस मार्केट में ना आपको क्लॉथ मिल जाता है, आपको ड्रेसेस मिल जाते हैं. दादर मार्केट फेमस है क्लॉथ के लिए. यहाँ पे आपको कुर्ता सेट्स मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाता है, रेडीमेड ड्रेसेस मिल जाते हैं, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, सब कुछ. यहाँ से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. मैं अभी जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे सूट मटेरियल्स हैं. अगर आप ब्राइडल शॉपिंग के लिए आ रहे हो ना गाइस, तो ये मार्केट एकदम परफेक्ट है. आपको डेली वेयर ड्रेसेस चाहिए तो भी ये मार्केट परफेक्ट है आपके लिए. यहाँ पे स्टॉल्स तो लगते ही है, प्लस आपको यहाँ पे शोरूम्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे अगर आप ब्राइडल शॉपिंग लहंगा लेना चाहते हो, हैवी सारीस लेना चाहते हो, तो वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है. प्लस यहाँ पे ग्रूम के लिए भी शर्ट्स, फॉर्मल्स वगैरह, शेरवानी सूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है. सो गाइस, ये मार्केट ना ब्राइडल शॉपिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी. इस मार्केट में ना जैसे ही मैं एंटर होती हूँ ना, तो स्टार्टिंग में मेरे को ये सारे सूट सेट्स दिखते हैं. मटेरियल थे सारे जिनकी प्राइस रेंज चालू होती है 450, 550, 650. इनके ऊपर ऑलरेडी प्राइस मेंशन की हुई है. आप चाहो तो यहाँ पे बार्गेन भी करवा सकते हो. यहाँ पे ना आपको सूट मटेरियल्स मिल जाते हैं डेली वेयर के लिए. अगर आपको गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए चाहिए तो भी वो यहाँ पे मिल जाएंगे, और इनकी प्राइस स्टार्ट होती है 350 से. गाइस, मेरे हिसाब से ये मार्केट इतना ज़्यादा सुंदर है क्योंकि यहाँ पे आपको जो चाहिए ना वो यहाँ पे मिल जाता है. यहाँ पे आपको क्लॉथ तो मिलता ही है, प्लस यहाँ पे आपको ज्वेलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है. यहाँ पे ये सारे ड्रेसेस मिल रहे थे और इनकी प्राइस रेंज चालू हो रही थी 750 से. इनके पास कॉर्सेट्स भी अवेलेबल थे. नेक्स्ट, यहाँ पे आलिया कट पैटर्न इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ना, मुझे पर्सनली आलिया कट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और जो पहनने के बाद लुक आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है. गाइस, मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दुकान का नाम भी दिखाऊं, क्योंकि हर एक वीडियो में किसी ना किसी का कमेंट होता है कि ये शॉप कहाँ है, वो शॉप कहाँ है. तो गाइस, पूरी ना एक ही लेन है. आप कहीं से भी चालू करो ना, पूरी लेन एक ही है. आपको लेफ्ट राइट कहीं टर्न नहीं होना है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको दुकान के नाम वगैरह भी दिखा रही हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन सी शॉप कहाँ पर है. सो गाइस, प्राइस भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ जिससे आपको एक आइडिया रहे कि आप किस रेंज तक बार्गेन करवा सकते हो. यहाँ पे आलिया कट पैटर्न की कुर्तीज़ इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना, यहाँ पे मुझे यहाँ का कलेक्शन पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. यहाँ पे आपको स्कार्फ्स भी मिल जाते हैं कॉटन मटेरियल में, जॉर्जेट मटेरियल में, और इनकी प्राइस रेंज चालू होती है 100 से. प्लस गाइस, यहाँ पे ना आपको हैवी ड्रेसेस भी मिल जाते हैं. जो अंडर बजट है वो यहाँ से शॉप कर सकते हैं. इनके पास इतने प्रिटी प्रिटी लहंगे थे, शरारा सेट्स थे, प्लाजो सेट्स थे, और इनकी प्राइस रेंज चालू हो रही थी जस्ट 1000 से. मैंने एक और स्टॉल एक्सप्लोर किया, वहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छे लहंगे मिल रहे थे. क्रॉप टॉप विथ लहंगा मिल रहा था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, प्लस आपको एक दुपट्टा भी साथ में मिल जाता है. ये सारे आपको मैं दिखाई रही हूँ, कोई मिरर वर्क में है, कोई प्लीटेड है, सब कुछ शरारा सेट्स, प्लाजो सेट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही शॉप में मिल जाएगा. इन शॉप्स के आधे तो क्या होते हैं मालूम, नाम भी कवर क्या होता है तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लेकिन ये पूरा ना एक ही लेन में, तो जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा. और इनके ऊपर जो हैंडवर्क किया हुआ ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है. नेक्स्ट, मैंने एक और स्टॉल एक्सप्लोर की और यहाँ पे प्राइस रेंज चालू हो रही थी 1000 से 1800 के बीच में. मुझे ये पिंक वाले का लहंगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा. उसमें जो नेट की डिटेलिंग थी ना, जो डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट की हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी. प्लस यहाँ पे बच्चों के भी ड्रेसेस आपको मिल जाते, इतने क्यूट क्यूट इनके लहंगे वगैरह, ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. और बड़ों का तो कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा आया हुआ था. छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर आपको फ्रॉक्स भी मिल जाते. मैंने कहा ना, यहाँ पर इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा. नेक्स्ट, ये एक शॉप है, ये जस्ट ऑपोजिट में थी. यहाँ पे ना आपको सब कुछ डेकोरेशन के रिलेटेड मिल जाता है, जैसे फूल वगैरह, मेहंदी वगैरह, अगर मेहंदी फंक्शन के लिए आपको कुछ चाहिए. यहाँ पे फ्लोरल ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, और इनकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा कम थी. मैं अभी आपको ये तोरण दिखाती हूँ. ये तोरण सिर्फ 50 रुपीज़ में ये भैया सेल कर रहे थे, और ये वाला सिर्फ 95 में. इतना ज़्यादा सुंदर सिर्फ 95 में. हाईली रिकमेंड गाइस. यहाँ पे फूलों की लड़ी मिल रही थी 100 रुपीज़ में दो, पर पेयर 100 रुपीज़, बहुत ज़्यादा सुंदर थी.
नेक्स्ट गाइस, इस मार्केट में ना आपको शोरूम्स के बाहर सेल लगी हुई दिखेगी। ये सारी साड़ियाँ है ना वो प्रीमियम रेंज की थी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी। नेक्स्ट ये जो अमित साड़ीज़ है ना, इनके पास मुझे साड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इनकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा कम थी। आई मीन शोरूम की साड़ियाँ आपको मिल रही है और वो भी इतने ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पे। सारी साड़ियों उसके प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले में डाले हुए जिससे आपको पता चले और अपने आप अपने अकॉर्डिंग इन शॉप्स में जा भी सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लड़कों के रिलेटेड कुर्तेज मिल जाएंगे। इतने बढ़िया बढ़िया कुर्ता मिल रहे थे ना यहाँ पे, प्लस आपको ये सूट सेट मिल रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके ऊपर जो हैंडवर्क का काम था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। नेक्स्ट यहाँ पे जस्ट दुकान के बाहर ना ब्रासो की साड़ियाँ मिल रही थी जस्ट फॉर रुपीज़ 500। इतनी प्रिटी प्रिटी साड़ियाँ थी, प्लस इनमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा प्रिटी अवेलेबल थे। नेक्स्ट ये एक नीता साड़ी से, यहाँ पे इनके पास भी साड़ीज़ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा सुंदर था। आप अगर ब्राइडल शॉपिंग के लिए आ रहे हो ना तो यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करना, आपको 100% बहुत ही अच्छी साड़ी रीजनेबल रेट पे मिल जाएगी। मतलब इतना सुंदर कलेक्शन था ना इनके पास कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इनके पास डेली वेयर से लेकर हैवी रेंज की हर तरह की साड़ी थी। नेक्स्ट ये है मारुति टेक्सटाइल्स, यहाँ पे आपको लड़कों के सूट सेट्स मिल जाते हैं, आई मीन मटेरियल मिल जाता है। इनकी प्राइस रेंज चालू होती है 200 से 250, 350, 450, अलग अलग रेंज में इनकी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बेलीस मिल जाती है, ये जुत्तीस मिल रही थी जस्ट फॉर रुपीज़ 250, आप कोई भी पिक कर सकते हो। इनके पास मिरर वर्क वाली, ट्रेड वर्क वाली सब तरह की जूतियाँ अवेलेबल थी। इनके पास फ्लैट्स भी अवेलेबल थे, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेली वेयर की साड़ियाँ मिल जाती है, पार्टी वेयर साड़ीज़ भी मिल जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पे। आप इन पे प्राइस खुद देख ही रहे हो कि इन पे प्राइस ही ऑलरेडी लिखी हुई है 650, तो सोचो अगर आप बार्गेन कराओगे थोड़ा तो वो आपको कितने में देगी। नेक्स्ट ये एक शॉप है, यहाँ पे हैवी रेंज की साड़ियाँ मिल रही थी, इतनी ज़्यादा सुंदर। एक्चुअली एक तो उन्होंने बहुत ईजी कर दिया डिस्प्ले में इनकी प्राइस मेंशन करके, अगर हमको जमे तो हम शॉप में एंटर हो सकते हैं वरना नहीं। ये वाली जो साड़ियाँ थी ना इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 2000 से, क्योंकि इन पे जो वर्क था ना वो पूरा हैंडवर्क वर्क था एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर वर्क किया हुआ था इन साड़ीज़ पे। यहाँ पे ना इतना सुंदर सुंदर कलेक्शन आया हुआ है ना गाइस, अगर आप दादर स्ट्रीट शॉपिंग आओ ना तो इन सारे शोरूम्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ये वाली जो एक स्टोर है ना, यहाँ पे आपको ब्राइडल लहंगे मिल जाते हैं और वो भी इतने प्यारे, और इनकी प्राइस रेंज चालू होती है जस्ट रुपीज़ 5000 से। इतना सुंदर लग रहा था ना ये वेलवेट का दुपट्टा लहंगा पूरा। नेक्स्ट ये जो साड़ीज़ है ना इनका वर्क देखो, आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर वर्क किया हुआ है इन पे, और इनकी प्राइस रेंज चालू होती है जस्ट रुपीज़ 2000 से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऐसे ब्राइडल ब्राइड साइड्स लहंगे भी मिल जाते हैं, ब्राइड मेड्स लहंगे, और इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी जस्ट रुपीज़ 4000। नेक्स्ट उसके जस्ट सामने ना ये एक स्टॉल है जहाँ पे ऐसे वन पीस वगैरह लेके बैठते हैं और इनकी प्राइस थी जस्ट रुपीज़ 350, आप कोई भी पिक कर सकते हो। इनके पास जो मटेरियल था क्वालिटी थी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। मुझे ना कॉटन मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, मुझे ये वाला पीस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका मटेरियल चिकन मटेरियल था एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आजकल ऐसे वन पीस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि ऐसा एक पीस तो आपके पास होना ही चाहिए। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखा रही हूँ कि कहाँ पे ये एक्चुअली, यहाँ पे ना एक क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है, उसके बाहर ये स्टॉल लगता है। एंड यहाँ पे देखो ये कितना प्रिटी और न्यू लग रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऐसे टॉप्स भी मिल जाएंगे, फैंसी टॉप्स, और इनकी प्राइस थी 300। इनके पास क्रोशिया के भी टॉप्स अवेलेबल थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे, ऐसे पफ स्लीव्स वाले टॉप्स थे, प्लेन कॉटन टॉप्स थे, सब यहाँ पे मिल रहा था। प्लस यहाँ पे आपको चिकनकारी कुर्तीज़ भी मिल जाएगी। ये सारी कुर्तीज़ इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 250 से। अभी मैं जो दिखा रही हूँ ना वो डायबल दो शेडेड में थी, बाकी की जो थी वो प्लेन सिंगल कलर्स में थी, बट उनकी क्वालिटी प्योर कॉटन थी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको फैंसी टॉप्स भी मिल जाते हैं, लेसेस भी मिल जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग मीटर के हिसाब से इनको कट भी करवा सकते हो। बंडल में चाहिए तो आप बंडल में भी ले सकते हो। इनके पास ब्लाउजेस के लिए, लहंगे के लिए, प्लस आपको यहाँ पे हैंडवर्क लेसेस भी मिल जाती है, और इनकी प्राइस रेंज चालू होती है जस्ट रुपीज़ 200 से। नेक्स्ट इस मार्केट में आपको बच्चों के क्यूट क्यूट फ्रॉक्स मिल जाते हैं, और ये सारे फ्रॉक्स की प्राइस थी जस्ट रुपीज़ 200। इनके पास कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, हर बार इनके पास कलेक्शन इतना प्यारा रहता है। नेक्स्ट गाइस, दादर मार्केट में ही कुर्तीज़ मिलती है जस्ट फॉर रुपीज़ 200। इतना सुंदर कलेक्शन होता है ना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। किसी भी मार्केट में आप जाओगे ना तो आपको कुर्तीज़ 200 के रेंज में तो नहीं मिलने वाली, बट आपको दादर ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड आपको कुर्तीज़ मिल जाती है, और इनकी प्राइस थी जस्ट रुपीज़ 200, आप कोई भी पिक करो।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको बैंगल्स भी मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मैचिंग बैंगल्स ले सकते हो। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, मल्टी कलर, हर तरह की यहाँ पे बैंगल्स मिल रही थी। मेटल की सारी बैंगल्स थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। नेक्स्ट ये आपको थोड़ी हैवी वाली चूड़ियाँ भी यहाँ पे मिल जाएगी जो दो के सेट में आती है। प्लस अगर आपको प्लेन बैंगल्स चाहिए, वेलवेट बैंगल्स, तो इनके पास बहुत बढ़िया कलेक्शन था। आई मीन हर कलर इनके पास अवेलेबल था। आपको जो कलर चाहिए ना, आपको वेलवेट की चूड़ियाँ वो यहाँ पे मिल जाएगी जस्ट फॉर ₹40 पर डजन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको महाराष्ट्रियन ज्वेलरी भी मिल जाएगी जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है जस्ट ₹100 से। इनके पास बहुत प्रिटी प्रिटी चोकर्स थे और मुझे पर्सनली चोकर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट गाइस, इस मार्केट में ना आपको ब्लाउजेस मिल जाएंगे। आपको इतने अच्छे अच्छे ब्लाउजेस मिलते हैं ना, वो भी इतने ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पे, इतने हैंड, मतलब पूरा वर्क किया होता है इनके ऊपर, पूरा मशीन वर्क होता है, और इनकी प्राइस चालू होती है जस्ट ₹200 से। आप देख ही सकते हो कि इनके ऊपर कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन पैटर्न की हुई है, प्लस इतना सुंदर वर्क है, और सारे के सारे ब्लाउजेस पैडेड ब्लाउज होते हैं इनके पास। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे है ना साइज़ के हिसाब से भी ले सकते हो, इनके पास सारी साइज़ेस अवेलेबल होती है। इनके पास सिंपल ब्लाउज से लेकर हैवी ब्लाउज भी होता है। इनके पास ऐसे चिकन में ऐसे मिरर वर्क वाला भी ब्लाउज मिल रहा था। यहाँ पे इनके पास ब्राइडल ब्लाउजेस भी मिल जाते हैं, जैसे अभी मैं ये दिखा रही हूँ ना, ये इतना सुंदर ब्लाउज मिल रहा था। फैंसी में अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो आपको ये वाले ब्लाउजेस मिल जाएंगे जो बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। फिर मैंने एक और स्टॉल चेकआउट की, यहाँ पे जो ब्लाउज़ का कलेक्शन था ना, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा सुंदर। जो आजकल पैटर्न चल रही है ना आलिया कट पैटर्न में ब्लाउज़ वगैरह, वो इनके पास अवेलेबल थे, और इनकी प्राइस थी जस्ट ₹300। आप देख सकते हो कि इनके पास सीक्वेंस में वगैरह ये सारे साइजेस थी ना, ये 36 वालों को आराम से फिट होगी। इनके पास सारी साइजेस अवेलेबल थी, प्लस दिखने में जो पैटर्न लुक क्रिएट हो रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा था। आई मीन ये आलिया कट पैटर्न वाला ब्लाउज़ देखो, इतनी अच्छी फिनिशिंग थी, मतलब एंड इतने कम रेंज में ये भैया हमको दे रहे थे। नेक्स्ट उनके जस्ट पास में ही ना एक स्टॉल है जहाँ पे ये सारा के ड्यूप्स लगे होते हैं सारे शर्ट्स के, और इनकी प्राइस स्टार्ट होती है 250 से। इनके पास आपको चेक्स पैटर्न में वगैरह, स्ट्राइप्स में वगैरह, हर तरह के पैटर्न में आपको यहाँ पे टॉप्स में शर्ट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको प्रिंटेड शर्ट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये फैंसी क्यूट क्यूट टॉप्स मिल रहे थे, ये सारे कॉटन मटेरियल के टॉप्स थे, और इनकी प्राइस फिक्स थी, कोई भी लो जस्ट फॉर ₹300। मुझे आजकल चिकन का कॉटन मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये ब्रीथेबल होता है, प्लस पहनने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि क्या ही बताऊँ। इस मार्केट में ना आपको हर दो तीन स्टॉल छोड़ के ना आपको ब्लाउजेस दिखेंगे, और वो भी इतने बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के। ये सारे ब्लाउजेस की प्राइस स्टार्ट हो रही थी 200, 250, 300 कुछ ऐसे ही। एंड इनके पास ऑर्गेन्जा मटेरियल में भी ब्लाउजेस थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप अपने साड़ी लेकर आओगे ना, तो आप उसके ऊपर मैच करके ईजिली जा सकते हो। आजकल स्टिचिंग इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना, तो हर कोई रेडीमेड ब्लाउजेस प्रीफर करता है, एंड वो अगर अपने साइज़ की होना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दादर मार्केट में ना आपको ब्लाउज़ का कलेक्शन बहुत ही सुंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बच्चों की एक्सेसरीज वगैरह मिल जाती है, हेयर एक्सेसरीज वगैरह, क्लिप्स वगैरह, नेल पॉलिश, बंस वगैरह, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सारी पिंस आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्लिप्स, क्लचेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इनकी प्राइस स्टार्ट होती है जस्ट ₹10 से। ये सारे ना आपको बनाना क्लिप्स, हेयर क्लिप्स बहुत ही अच्छी बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा, इस मार्केट में आपको कुर्तीज़ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा। ये सारी डेलीवेयर कुर्तीज़ थी ना जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, आप इनको कभी भी कहीं भी पहन के जा सकते हो, और इनकी प्राइस थी जस्ट ₹200। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि ये मार्केट ब्राइडल शॉपिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मैचिंग पोटली वगैरह साड़ी के अकॉर्डिंग या फिर लहंगे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पोटली वगैरह ले सकते हो। प्लस अगर आपको डेंटी ज्वेलरी का शौक है, तो यहाँ पे डेंटी ज्वेलरी भी मिल जाती है। 3 दे रहे थे ये भैया जस्ट फॉर ₹100 में। इनके पास देखो कितना सुंदर कलेक्शन था, एंड इतनी ज़्यादा रीजनेबल ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कोई भी मार्केट चेकआउट कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नाइट सूट्स मिल जाते हैं। आप अगर शॉर्ट के साथ नाइट सूट लेते हो तो उसका 250 ये चार्ज करेंगे, एंड अगर नीचे आप फुल पैंट वाला लेते हो तो आपको 300 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे ना आपको रोड साइड, मतलब रोड पे ऐसे नीचे लगा के ये भैया बैठे थे, ये सारे ब्लाउजेस बेच रहे थे जस्ट फॉर ₹150। कोई भी पिक करो, लेकिन इनमें एक इशू होता है कि आप अपनी साइज़ इनमें आपको नहीं मिलती। जो छोटे पतले होते हैं ना, उनको तो ईजिली यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि वो ऑल्टर करवा देते हैं थोड़ा बहुत। पैटर्न इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, ये स्ट्राइप्स वाला, ये सीक्वेंस वाला, इनके पास बहुत सुंदर थे। मैं आपको लोकेशन भी एग्जैक्ट दिखा रही हूँ कि कहाँ पे ये भैया लेके बैठे हैं। नेक्स्ट उनके पास ना जस्ट ये भैया कुर्ती सेल कर रहे थे जस्ट फॉर ₹200। अब देखो, आपको ये 200 की लगती भी है क्या, इतनी ज़्यादा सुंदर। आई मीन
मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ इन कुर्ती से। इसमें ये कि ड्रॉबैक होता है कि आपको एक साइज़ बड़ी लेनी पड़ती है। अगर आप स्मॉल हो तो आप मीडियम लो, मीडियम हो तो लार्ज लो, क्योंकि इसका जो फर्मा कट किया हुआ होता है ना, वो छोटा वाला फर्मा कट किया हुआ होता है इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ज्वेलरी मिल जाती है, आपको इतनी बढ़िया बढ़िया ईयरिंग्स मिल रहे थे जस्ट फॉर ₹100। ये सारे ईयरिंग्स ना 100 में ये भैया सेल कर रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे ना, इनके पास सारे कलर्स अवेलेबल थे ऐसा लग रहा था। और झुमकी ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट ये डेंटी ज्वेलरी मिल रही थी डायमंड में, और इनकी प्राइस थी जस्ट ₹100। इनके पास दूसरा कलेक्शन भी और बढ़िया था, जैसे आपको यहाँ पे नेक पीस वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह सब मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी आपको मिल जाता है, फाउंडेशन, मेकअप, कॉम्पैक्ट वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, लाइनर्स, सब कुछ। नेक्स्ट ये जो एक शॉप है ना, यहाँ पे आप सारीज़ की प्राइस देखो, इन सारीज़ की प्राइस लिटरली 350 है। आई मीन इनकी प्राइस ट्रेंड चालू हो रही थी 300 से, इनके पास 300 से लेकर 2000 की साड़ियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर थी। ये सारी जो ऊपर हैवी वर्क वाली आपको साड़ियाँ दिख रही है ना, इनकी प्राइस थी जस्ट फॉर ₹3000। इतनी बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रोड साइड ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा दिखेंगे, मुझे ये मिरर वर्क वाला ब्लाउज अच्छा लगा, ये वाला वो पैटर्न में ब्लाउज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आगे से इसका स्वीट हार्ट नेक पैटर्न था। नेक्स्ट आपको प्लेन गोल्ड कलर का ब्लाउज मिल जाएगा, पिंक कलर का ब्लाउज, वर्क वाले ब्लाउजेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आप लकी हुए तो जो आपको चाहिए था ना अच्छा वो यहाँ पे ब्लाउज मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पॉपेट्स के बैग्स मिल रही है, ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं अभी, जो मैंने हैंडबैग के स्टाइल में दिखाया ना उसकी प्राइस थी 120। एंड बाकी जो छोटे वाले थे ना, ये भैया सेल कर रहे थे 100 में, बट आप मैंने 80 में लिया एक्चुअली बार्गेन करके। बहुत ज़्यादा सुंदर है, बच्चे इनसे बहुत खुश होते हैं, उनका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, गेम खेलने में लग जाता है, प्लस सुंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इनके पास पोटली वगैरह मिल रही थी जस्ट फॉर ₹100। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेक पीस वगैरह मिल जाएंगे, चोकस मिल जाएंगे, ये सारे चोकस मिल रहे थे जस्ट फॉर ₹120। इनमें कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, प्लेन सिल्वर, इनके पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी मिल रही थी। प्लस यहाँ पे आपको चेन पैटर्न में भी, आपको लॉन्ग में भी, आपको शॉर्ट में भी, आपको हर तरह का यहाँ पे आपको नेक पीस मिल जाएगा, आप कलेक्शन खुद देख ही सकते हो। ऑक्सीडाइज में भी यहाँ पे आपको कलेक्शन दिख जाएगा। प्लस यहाँ पे हेयर बंस मिल रहे थे, ये हेयर एक्सेसरीज मिल रही थी, और इनकी प्राइस थी फिक्स, कोई भी लो जस्ट फॉर ₹100। इनके पास कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ये सारे ना वेस्टर्न और इंडियन दोनों पे जाने वाले, जैसे वो जो पर्ल्स वाले थे ना वो आपको वेस्टर्न पे चले जाएंगे, फ्ला वाले आपको इंडियन आउटफिट्स पे चले जाते हैं। नेक्स्ट मुझे ये ऑक्सीडाइज चूड़ियाँ दिखी, और इनकी प्राइस थी ₹50, कोई भी लो आप। ये सारे कड़े फॉर्म में भी थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते। ये जो बाकी के ईयरिंग्स हैं उनकी प्राइस थी जस्ट ₹80, कोई भी पिक करो। ये सारे बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पहनने के बाद। जैसे मैंने कहा, इस मार्केट में आपको ब्राइडल शॉपिंग की पोटली वगैरह भी मिल जाती है, यहाँ पे हैवी रेंज में मिल रही थी, पूरी हैंडवर्क वाली थी। एंड जो नॉर्मल पोटलीस होते हैं ना, उनकी प्राइस स्टार्ट होती है 100 से, और अभी जो मैं दिखा रही हूँ ना उसकी प्राइस उन्होंने मुझे कोट की थी 800। इससे भी हैवी हैवी इनके पास अवेलेबल थे, अगर आपको चाहिए तो वो आपको अंदर से निकाल के दिखाएंगे। बाकी तो जो डिस्प्ले में रखते हैं ना वो नॉर्मल ही रखते हैं, जो अपने जिसको जो चाहिए ना वो उनको आराम से पूछ सकता है, वो उसके हिसाब से उनकी आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर देंगे। और ये जो बाकी की पोटलियाँ दिखा रही हूँ ना, इनकी प्राइस थी जस्ट ₹80। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिंग्स मिल जाएगी, ऑक्सीडाइज वाली, कुंदन वाली, स्टोन वाली, जस्ट फॉर ₹50। नेक्स्ट ये है भैया जो लटकन्स लेके बैठते हैं और ये बेचते हैं ₹50 पर पेयर, छोटे वाले एंड बड़ों वालों का 100। नेक्स्ट ये जो है ना आर्या फैब्रिक्स, ये जस्ट ना यहाँ पे ये जो चिकनकारी है, जो मेरी फेवरेट स्टॉल थी ना लास्ट टाइम, ये भैया लेके बैठे, और इनके पास जो चिकनकारी का कलेक्शन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। इनके कुर्तीज़ की प्राइस स्टार्ट होती है 500 से, इनके पास हमेशा इतना ज़्यादा सुंदर कलेक्शन होगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बैग्स मिल जाते हैं, और इनकी प्राइस चालू होती है 100 रुपीज़ से, आप लंच बैग्स वगैरह यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दुपट्टे भी मिल जाएंगे, और इनकी प्राइस स्टार्ट होती है जस्ट ₹100 से। इनके पास नेट वाले दुपट्टे, ऑर्गेंजा वाले, वर्क वाले, सीक्वेंस वाले, मिरर वर्क वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले, प्लेन वाले, हर तरह के दुपट्टे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नाइट सूट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे पेटीकोट भी लेके बेचते हैं, ये भैया फ्लैट 100 में पेटीकोट सेल कर रहे थे, आप कोई भी ले सकते हो जस्ट फॉर ₹100, इनके पास सारे कलर्स अवेलेबल थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको विंड चाइम्स दिख जाएंगे, जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है जस्ट फॉर ₹250, इनके पास ईवीलाई वाले भी थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉलेट्स दिख जाएंगे, पर्स दिख जाएंगे, पोटली दिख जाएगी, और इनकी प्राइस फिक्स थी, आप कोई भी ले सकते हो जस्ट फॉर ₹200। नेक्स्ट यहाँ पे लड़कों के टी शर्ट्स मिल जाते हैं, ट्रैक पैंट्स मिल जाते हैं, और इनकी प्राइस चालू होती है 200 से।
यहाँ पे जेंट्स का कलेक्शन थोड़ा कम है रोड साइड, लेकिन यहाँ पे आपको शोरूम्स में जेंट्स के मतलब ग्रूम के रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। रोड साइड तो आपको इतनी सारी कुर्तियाँ मिलेंगी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये सारी कुर्तीस आप देखो और इनकी प्राइस है जस्ट 200 रुपीज़। इतनी प्रिटी प्रिटी डिज़ाइंस मिल रही थी आपको, स्लीवलेस में मिल जाएगा, स्ट्रैपी में मिल जाएगा आपको, शॉर्ट स्लीव्स, आपको फुल स्लीव्स, हर तरह की यहाँ पे मिल जाएगी कुर्ती। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के शूज़ मिल रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के शूज़ मिल रहे थे, 1 ईयर बेबी से स्टार्ट हो रहे थे और इनकी प्राइस रेंज और इनकी प्राइस चालू हो रही थी जस्ट 150। आई मीन 150 मैक्स टू मैक्स, यहाँ पे 200 प्राइस थी, इससे ज़्यादा इनकी प्राइस नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बच्चों के खिलौने मिल जाते हैं और यहाँ पे आप कोई भी पिक कर सकते हो जस्ट फॉर 100। ये ऐसे ही रोड साइड लेके बैठते हैं और इनकी प्राइस फिक्स होती है कि कोई भी पिक करो, 100 रुपीज़ पे करो और जाओ बस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बच्चों के नाइट ड्रेसेस वगैरह कॉटन के ड्रेसेस मिल जाते और इनकी प्राइस थी 100। प्लस यहाँ पे आपको नाइट सूट्स मिल जाते और इनकी प्राइस थी 150। अगर साइज़ बड़ी लो तो 200। इनके पास कलेक्शन हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे ये क्यूट बच्चों का ड्रेस कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे आपको साड़ीज़ भी दिख जाएगी और इन साड़ीज़ की प्राइस स्टार्ट हो रही थी 350 से। यहाँ पे आपको रोड साइड भी इतनी वर्क वाली साड़ियाँ मिल जाएगी और इनके क्वालिटी ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बच्चों के भी ड्रेसेस मिल जाएंगे, जैसे लहंगे वगैरह, रोड साइड्स, फ्रॉक्स वगैरह, शरारा सेट्स वगैरह, और इनकी प्राइस चालू हो रही थी जस्ट 200 रुपीज़ से। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आपको शोरूम्स में तो लहंगे मिलते ही है, प्लस आपको यहाँ पे रोड साइड भी लहंगे मिल जाते हैं और इनकी प्राइस चालू होती है 1500 से। तोरण मिल जाते हैं, अगर आपको तोरण चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा जस्ट फॉर 200 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने ये ब्राइडल लहंगे देखे और इनकी प्राइस थी 2500। आई मीन इसका जो फ्लेयर था ना वो नॉट बैड, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। वरना क्या होता है, जो रोड साइड लहंगे मिलते हैं ना उनका जो फ्लेयर होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम रहता है शोरूम से कंपेयर करें तो। बट अभी जो उन्होंने मुझे लहंगा दिखाया था ना, इसका फ्लेयर अच्छा खासा था, बहुत ज़्यादा सुंदर कलर भी अवेलेबल था। नेक्स्ट मैंने ये एक और लहंगा, इसका फ्लेयर तो बहुत ज़्यादा था और इसकी प्राइस थी 2500। इनके पास और थोड़े बहुत लहंगे थे, इनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा सुंदर था। आई मीन सीक्वेंस में, आपको मिरर वर्क में, प्लेन में, आपको हर तरह का लहंगा यहाँ पे मिल जाएगा और इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी जस्ट 1500 से। मुझे ये पिंक वाला लहंगा, मिरर वर्क वाला, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। ये सारे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और रीजनेबल थे। नेक्स्ट ये जो सीक्वेंस वाला है ना, ये बहुत पुराना है। आई मीन मेरे मम्मा के टाइम से मैं ये फैब्रिक देखती आ रही हूँ, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के चप्पल, सैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं और इनकी प्राइस फिक्स थी, आप कोई भी लो 150 पे करो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको साड़ीज़ मिल जाती है और इन सारी साड़ीज़ की प्राइस थी पर साड़ी 300। कलेक्शन नॉट बैड, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था बट हाँ थोड़ा बहुत अच्छा ही था। ये सारे रोड साइड्स लेके बैठते हैं। नेक्स्ट ये वाली जो साड़ीज़ है ना ये 500 में 3 सेल कर रहे थे। इनका कपड़ा गाइस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कंपेयर उन दूसरी साड़ियों से करें तो, बट अगर आपको किसी को ऐसे ही पता नहीं क्यों, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, बट यहाँ पे सेल होती है करके मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पे चूड़ियाँ मिल जाती है जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है जस्ट 50 में। बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर चूड़ियाँ यहाँ पे मिलती है, कलेक्शन इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैंने बहुत यूज़ की हुई है यहाँ की चूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बच्चों के कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है 200 से। आपको यहाँ पे जीन्स मिल जाएगा, शॉर्ट्स मिल जाएंगे, टी शर्ट्स मिल जाएगा, शर्ट मिल जाएगा, फॉर्मल पैंट भी इवन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। गाइस ये है कैलाश वड़ा पाव, बस अगर आप दादर के ईच साइड से निकलते हो ना तो आपको ये कैलाश वड़ा पाव भी दिख जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय।